जी हाँ, पहले प्यार का नशा जो ना कराए। निशा अपने विराट सर की बाहों में समा जाए और उन्हें भी इश्क वाले लव की धुन पर नचाए। इश्क वाले लव ने टॉम बॉयज गर्ल निशा को थोड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा बदल डाला है। विराट सर को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपनी ट्रेडमार्क जीन्स और टी शर्ट की कुर्बानी दे दी है और मॉडर्न ड्रेस में कार्ड लेकर सीधे पहुंच गई डेट पर। बहुत ही गॉली गॉली सी फीलिंग आ रही है जो अच्छी नहीं लग रही है और लग भी रही है बिकॉज ये विराट सर को इम्प्रेस करने के लिए है। सो या आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट, काइंड ऑफ नॉट लाइकिंग इट। हाँ हाँ, विराज बहुत इम्प्रेस हो गए क्योंकि विराज ने ड्रेस खरीदी है, उनके टेस्ट अच्छे होते हैं। लेकिन तुमने मेरे लिए तो नहीं खरीदी थी ना, किसी और के लिए खरीदी थी। बेशर हाँ, वो तो है, निशा गंगवाल को लगा उनके लिए है तो उन्होंने पहन ली। कोई बात नहीं, हम उनके लिए दूसरी खरीद लेंगे। हाँ? आप ये रख सकते। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहीं खुशी के मारे निशा के मन में तो बड़े बड़े लड्डू फूटने लगे, लेकिन उनके विराज सर ने दिल पर छुरियां चलाकर शुरू होने से पहले मोहब्बत का दी एंड कर डाला। I think he manages to do this every time. मैं बड़ा मजा आता है निशा का दिल तोड़ने, तो आज फिर आपने यही कर दिया। एक्चुअली आज हम कह ही देते, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम विराज सिंह राठौर की नहीं है, प्रॉब्लम मिस निशा गंगवाल की है। बिकॉज मिस निशा गंगवाल की वजह से हम किसी और लड़की को चाहने लगे और वो भी उनकी वजह से, तो जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ उनका कारण वही है। Who are not watching the show maybe regularly, वो उनको लग रहा है कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो आरती मैं ही हूँ यार। हाँ, तो जो जिस लड़की के लिए वो ड्रेस खरीदा गया था वो आरती है, जो यही है, जो जिसे हम ईमेल वाली फ्रेंड कहते हैं, जिन्होंने जिसको कभी विराज सिंह राठौर ने देखा नहीं है, और वो यही है। तो अजी जो समझ समझ कर ना समझे वो समझदार तो अनाड़ी है ना। निशा ही उनकी ऑनलाइन फ्रेंड आरती है, ये समझने में अभी उन्हें कुछ एपिसोड्स और लगेंगे, तब तक निशा ऐसे ही आंसू भाएगी। आगे कुछ सोचा नहीं मैंने, बिकॉज आई एम राइट नाउ आई एम रियली ब्रोकन और मेरी आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, आई जस्ट वांट टू गो होम। सो आगे आई हैव नो क्लू कि मैं क्या करने वाली हूं। नहीं, और जब दिल टूटता है तो और कुछ सोच भी नहीं सकते। और उनकी तो इनका तो मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे इतना बुरा लग रहा है एज विराज सिंह राठौर का, मैं क्या करूंगा। अरे भाई, जब इतना बुरा लग रहा है तो इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया? बेचारी निशा, उसको तो ऐवे ही अपसेट कर दिया। प्यार की सीढ़ियां चढ़ने में क्या उसने कम झटके खाए थे? यहाँ तक कि उसकी हाई हील्स ने भी इस मुश्किल डगर में उसका साथ नहीं दिया, बल्कि आधे रास्ते में ही जवाब दे दिया। लेकिन जनाब को तो खामोशी का करंट मार गया है। सब लोग आ रहे थे सेट पे, हमने एंट्री मारी सेट पे, हू इज दिस प्रीटी लुकिंग गर्ल मैन। देखिए, हमारा हाथ भी, मैं बार बार मेरा हाथ निकल ही नहीं रहा उनकी कमर से। फर्स्ट टाइम हमने देखा मिस निशा गंगवाल को, मतलब ऐसे हॉटी शॉटी ड्रेस में। आई थिंक आई लाइक माय टॉम बॉयज क्लोथ्स मोर देन व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। मैं बहुत ही मिस कर रही हूं, आई कांट वेट टू चेंज। वैसे सीन के बाद उनके श्री मुख से तारीफ के खूब बोल वचन फूटे, तो सोचना क्या है, छट से खुद को पहले वाले रूप में ले आइए, क्योंकि विराट सर को प्यार भी तो उसी क्यों निशा से होगा ना।